वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स में। हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आज आगे शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है आज जो है कि देखिए, हमने जितने भी तरीके से कैपेसिटर यानी संधारित्र को जिस भी प्रकार से हम सर्किट में जोड़ते थे, कैसे उसका वोल्टेज निकालते थे, कैसे उस पर आवेश निकालते थे, ये सब सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। और हर एक कॉन्सेप्ट को जिस भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उस पर उतने ही लेक्चर बनाए हैं। और एक कॉन्सेप्ट के कम से कम मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो आपको उनको बार बार वो क्वेश्चन लगाना है, अदर क्वेश्चन कहीं से मिल जाए तो उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब आज जो है अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको हिंदी में हेडिंग डालिएगा, हिंदी में हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत माध्यम का प्रभाव डाल लिए, का प्रभाव, या यहां पर ये कर लीजिएगा इफेक्ट, कि क्या इफेक्ट रहता है जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या डाल देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब क्या है कि वो आपका कैसा होगा, परावैद्युत पदार्थ का बना होगा। तो देखिए है क्या कि इस पर हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि इसमें इंड्यूस्ड चार्ज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इंड्यूस्ड चार्ज उत्पन्न होता है। तो हेडिंग डालिएगा इंड्यूस्ड चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि संधारित्र के परावैद्युतांक पर प्रेरित आवेश, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, तो देखिए अब इस पे क्या है कि इस पर हमें ये करना है कि आपका क्या है, समांतर प्लेट कैपेसिटर है, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक मान के चलो कि एक कैपेसिटर ये है जिस पर प्लस, एक प्लेट ये है जिस पर कितना है, प्लस आवेश है, और एक प्लेट ये है जिस पर कैसा है, ऋण आवेश है। ठीक है, ये अभी आपका इनिशियल है। बोला है कि अच्छा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बोला है कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। कितनी दूरी है, डी है। अब इस पर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो मैंने यहां पर क्या माना है कि यहां पर भाई देखो, आपका ये प्लस प्लेट है और ये कैसी है, माइनस प्लेट है, तो इसके कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से होती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। किधर होती है डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहां से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट कह दे रहा हूं। क्या कह दे रहा हूं, ई नॉट। ठीक है, अब ये क्या है कि यहां पर आप लिखिएगा कि माना दो समांतर प्लेट
दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा इन प्लेटों पर आवेश, इन प्लेटों पर आवेश आपका कितना है Q नॉट है, कितना है Q नॉट, इस पर प्लस का Q नॉट है, इस पर कितना है माइनस का Q नॉट, जो प्लस वाली प्लेट है उस पर कितना आवेश है, प्लस का Q नॉट है, जो ऋणात्मक वाली प्लेट है, ऋण वाली प्लेट है उस पर कितना होगा चार्ज, माइनस का Q नॉट होगा, तथा इस प्रकार इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो कि E नॉट है। हमने ये माना हुआ है कि कितना है विद्युत क्षेत्र, E नॉट है। अब क्या कह रहा है लिखिएगा, अब हम इन प्लेटों के मध्य के परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया कि ये आपका क्या है, ये परावैद्युतांक पदार्थ है, ये जो आपका ये जो ऊपर वाला फिगर है ये आपका इनिशियल स्टेज है, क्या है इनिशियल स्टेज है, ठीक है, मतलब प्रारंभिक फिगर है, ये आपका के परावैद्युतांक पदार्थ है, ठीक है, जिसकी थिकनेस हमने कितनी ली है, इसकी भी थिकनेस कितनी है डी है, क्योंकि इनके प्लेटों के बीच में जगह कितनी है डी है, तो उसी को इन्हीं प्लेटों के बीच में रख देंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं, मतलब कि यानी कि जो परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं उस पर भी आपका आवेश शून्य होता है। आवेश शून्य होने का मतलब आप यह नहीं है कि उस पर कोई ऋणात्मक आवेश और या धनात्मक आवेश नहीं होंगे, उस पर आवेश होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहां पर जितने धनात्मक आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे ऋणात्मक आवेश, तो नेट टोटल चार्ज कितना हो गया जीरो, तो अतः यह कैसा हो जाएगा परावैद्युत पदार्थ, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा। तो पहले इतना छाप लो, फिर हम दूसरा फिगर बना के इसका जो भी है डेरिवेशन करते हैं। छाप लो भाई पहले इसे। चलिए, तो आपने इनिशियल फिगर देख लिया था, अब देखिए फाइनल फिगर कैसे बनता है। तो देखिए कि ये आपकी प्लेट रही, एक प्लेट ये रही, इसके बीच मैंने परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जिसकी थिकनेस डी है, मतलब ये मान के चलो कि ये पूरे तक है। अब क्योंकि मुझे यहां पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दिखाना है, इस वजह से मैंने इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिखाया हुआ है, लेकिन आपको इसकी थिकनेस डी ही है, ठीक है ना, जो मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहा हूं उनका जो है थिकनेस कितनी है डी है, आपको ध्यान देना है। चलिए, अब क्या हो रहा है कि अब देखिए डाइलेक्ट्रिक मैं आपको क्या लिखवा चुका हूं, ये भी लिखवा चुका हूं ना कि डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होते हैं उनके अंदर क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है, बता चुका हूं। डाइपोल मतलब कि इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और निगेटिव चार्ज भी होगा। मैंने आपसे बोला ना कि अभी इस पर कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं निगेटिव चार्ज भी होते हैं, बस अंतर यह रहता है कि जितना पॉजिटिव रहता है उतना ही निगेटिव रहता है। चलिए, तो क्या होगा कि ये वाली जो प्लस वाली प्लेट है, प्लस की तरफ कौन जाएगा ऋणात्मक आवेश, कौन सा जाएगा ऋणात्मक आवेश, तो इस डाइलेक्ट्रिक में आपके दोनों चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव रहता है निगेटिव भी रहता है, तो निगेटिव चार्ज ये प्लस वाली प्लेट की तरफ चला गया है, क्या हो कहां चला जाएगा, प्लस वाली प्लेट की तरफ चला जाएगा, और ऋण वाली प्लेट की तरफ इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा
पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो ये दोनों जो आवेश जो आपके अलग हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, एक मतलब इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो इन्हीं को क्या कहा गया है? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहा गया है? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहा गया है? इंड्यूस्ड चार्ज। अच्छा, अब ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश। क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश। अच्छा, तो आपने क्या दिखाया है कि इधर जो प्लेट थी, प्लेट प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना था? ई नॉट था। अब इसके अंदर, इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर आपके आवेश जो थे, मॉलिक्यूल्स जो थे, वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों में क्या हो गए? टूट गए। तो आपकी अब डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? अब इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से होती है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और हमने मान लिया कि ये कितना है? ई इंड्यूस्ड है। ठीक है, हमें यही निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर यदि आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? जब हम लिखिएगा कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को, परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य रखते हैं तो इस संधारित्र तो इस परावैद्युत पदार्थ में धनावेश ऋण प्लेट की ओर तथा ऋणावेश धन प्लेट की ओर चले जाते हैं। यही आवेश प्रेरित आवेश कहलाते हैं। प्रेरित आवेश कहलाते हैं। इन प्रेरित आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और कितना उत्पन्न हो रहा है? ई इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ये लिख गया। अब देखिए, अब इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की डायरेक्शन किधर है? आपकी लेफ्ट साइड की तरफ है, और मतलब बाईं ओर है। और ई इंड्यूस्ड की जो डायरेक्शन है ये आपकी किधर है? दाईं ओर है। किधर है? सॉरी, बाईं ओर है, और ये किधर है? दाईं ओर है। तो अब देखो क्या हो रहा है। इधर से आपकी वैद्युत क्षेत्र कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी कि विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे, यानी कि कुछ तो वैद्युत क्षेत्र होगा जो बचा हुआ होगा, तो उसी क्या कहते हैं कि नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र तो कितना होगा भाई? ये वाली प्लेट तो ज्यादा होगी, क्योंकि ये चार्ज तो उत्पन्न हो रहा है ना, तो उत्पन्न वाला चार्ज क्या होता है? कम होता है। तो ये कितना हो गया? ई इंड्यूस्ड। अच्छा,
ई नेट में मतलब क्या है? ई नेट का मतलब है कि जब हम उस पर क्या डाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र इस प्लेट में, पैरेलल प्लेट में क्या डाले दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक डाले दे रहे हैं, तब वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो आप याद कीजिए, जब मैं आपको डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बता रहा था पहले लेक्चर पे, पहले चैप्टर पे, तो जब पहले चैप्टर पे मैंने क्या बताया था कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में है, यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस पर मैं यदि क्या कर दूं, एक डाइलेक्ट्रिक रख दूं, दो आवेशों के किसी आवेश के मध्य में क्या रख दूं, डाइलेक्ट्रिक रख दूं, परावैद्युतांक पदार्थ रख दूं, तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका वैद्युत क्षेत्र उस के उस परावैद्युतांक के जो पदार्थ का जो माध्यम होता है उसके माध्यम का 1/k टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बता चुका हूं। तो यानी कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जा रही थी इनिशियल वो कितनी थी, E नॉट, इनिशियल का कितना कम होता है इस परावैद्युतांक के 1/k के गुना, तो 1/k का मतलब ये इतना हो गया। अब यहां से ये E नॉट, ये रहा माइनस का E इंड्यूस्ड रहा, तो आपको निकालना क्या है, E इंड्यूस्ड निकालना है, क्या निकालना है, E इंड्यूस्ड। तो E induced कितना आ जाएगा, मतलब प्रेरित वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका, E naught माइनस का E naught by K। अब देखो यहां से मैं क्या करूं, E naught कॉमन ले लूं, तो अब मैं इसको E केवल induced इतना ही लिख रहा हूं, ये E naught मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/k, यही होगा। अब यहां से यदि आप देखो तो E induced को मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि प्लेटों के मध्य ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो ये होती है, मैंने मान लिया कि अब जो आवेश है वो सिग्मा induced हो रहा है, क्या कितना हो रहा है, सिग्मा induced हो रहा है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। आपको ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी और E नॉट कितना हो जाएगा, मैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यार अब ये मत पूछ लेना कि ये कहां से आया है, ये मैं हर एक चीज आपको करवा चुका हूं कि कहां से निकाला हूं। एक प्लेट, पतली प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र मैंने निकाला था, तो ये है 1 माइनस का 1/k। अच्छा सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका है आवेश पृष्ठ घनत्व, क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व, याद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यदि इन प्लेटों के मध्य का एरिया कितना हो, ए हो, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू कौन सा है, इंड्यूस्ड हो रहा है जो, ये बराबर हो जाएगा, सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, क्योंकि इनिशियल कितना है, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और ये कितना हो जाएगा, 1/1 - k। तो यहां से ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्यू इंड्यूस्ड जो आपका आएगा, जो आपको निकालना था, क्यू इंड्यूस्ड ये जो आपका आ रहा है, ये Q नॉट 1 - 1/k, ये तो ये आपको निकालना था, ठीक है, इसको छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हुआ है कि दिया हुआ है कि 2 माइक्रोफैरेट संधारित्र का भंजक विभव 4 किलोवोल्ट है, और 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र का भंजक विभव कितना है, 6 किलोवोल्ट है, 6 किलोवोल्ट कह रहा है
इन दोनों संधारित्रों के मध्य कितना अधिकतम विभवांतर हो सकता है जब हम इन्हें पहला है श्रेणी क्रम में जोड़ें जोड़ते हैं, दूसरा है समांतर क्रम में जोड़ते हैं ये चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो शुरू करें। क्या कह रहा है भंजक विभव को, मतलब क्या है भंजक विभव को? देखिए मैं आपको जब मैं ये संधारित्र शुरू कर रहा था तो पहले ही लेक्चर पे मैंने बताया था कि ऐसा वोल्टेज या ऐसा विभव जिसके बाद क्या होने लगता है कि पदार्थ जो है टूटना शुरू हो जाता है, पदार्थ का क्या परावैद्युतांक, पदार्थ क्या हो जाता है उसका आयोनाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। आयोनाइजेशन का मतलब बताया था कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, डाइपोल के रूप में। किसके रूप में होते हैं? डाइपोल के रूप में। और उन डाइपोलों से क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश एक तरफ निकल जाता है और ऋणात्मक आवेश एक तरफ। तो ऐसा अधिकतम विभव विभवांतर जिसके लिए परावैद्युतांक पदार्थ क्या हो जाए, भंजक हो जाए, मतलब टूटने लगे, उसके पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होने लगे, निगेटिव चार्ज एक तरफ होने लगे, उसी को क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता रखा हुआ, नोट प्लस के देखना है केवल नोट को। देखिए अब क्या रहा है, इसको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किन्हें जोड़ना है? 2 माइक्रोफैरेड को और 1 माइक्रोफैरेड को। तो 2 माइक्रोफैरेड को देखो तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो ये रहा 2 माइक्रोफैरेड का, ये रहा 1 माइक्रोफैरेड का, इसको हमने जोड़ दिया, बैटरी लगा दी। अब ये पूछा है ये 2 माइक्रोफैरेड का है और ये कितना है, 1 माइक्रोफैरेड का, 1 माइक्रोफैरेड का है। अब यहां से ये क्या बोला है, ये बोला है कि जो आपका 2 माइक्रोफैरेड का है ना, जो आपका 2 माइक्रोफैरेड का है, ये आपका कितना ले रहा है, ये जो आपको जो 2 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है, ये क्लियरली आपको कितने का कर रहा है, 4 माइक्रोफैरेड का। इसमें जो विभव है भंजक विभव, मतलब कि ये कितना सह सकता है, 4 किलोवाट का सह सकता है, कितना सह सकता है, 4 किलोवाट का। और ये कितना सह सकता है, 6 किलोवाट का, कितना सह सकता है, 6 किलोवाट का। ये बोला है कि ये इतना है नहीं, ये मत सोचिए कि ये इतना मतलब इसका इनके बीच का वोल्टेज है, मैं पहले बता दूं ये क्या, इसका भंजक विभव दिया हुआ कि ये इतना सह सकता है। भाई पहले बात समझो, दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, एक का नाम रमेश है, एक का नाम सुरेश है, ठीक है। रमेश को हमने 4 मुक्के मारा, वो जमीन पे गिर गया, ठीक है। सुरेश को हमने 3 मुक्के मारा, वो गिर गया। तो ये सहने की क्षमता है कि कौन कितना सह सकता है। तो रमेश आपका 3 मुक्का सहा, सुरेश आपका 4 मुक्का सह लिया, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही है वायलेंस, आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है ना। चलिए तो मुद्दे की बात यह है कि इस पर विभव कितना होगा, कितना विभव होगा भाई, क्योंकि देखिए आपका ये जो भी है, जो भी सब सारी चीजें हैं, इनमें से कोई भी जो कैपेसिटर है उसकी अधिकतम लिमिट कितनी है, कि कितना सह सकता है, 6 किलोवाट का। तो यानी कि यदि ये 6 किलोवाट किसके लिए दिया हुआ है, 6 किलोवाट आपका दिया हुआ है पहले वाले के लिए, 1 कैपेसिटर के लिए, 1 ओम कैपेसिटर के लिए बोला है कि इस पर विभव कितना होना चाहिए, 6 किलोवाट का होना चाहिए। तो जब वोल्टेज विभव नियम हम किसके लिए लगाते हैं, वोल्टेज विभव नियम हम लगाते हैं श्रेणी क्रम के लिए। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में विभव तो बंट जाता है लेकिन आवेश क्या रहता है, एक समान आवेश रहता है, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो आप जब वोल्टेज विभव नियम विभव विभव
वितरण आवेश वितरण नियम से। यार ये सब मैं करवा चुका हूं, ठीक है, इसी वजह से। तो एक ओम के लिए, एक माइक्रोफैरेट के लिए, तो इसके लिए जो विभव है वो कितना है, मतलब कितना होना चाहिए अधिकतम के लिए हम लेके चल रहे हैं, फिर बाकी तो वो हो ही जाएगा। तो ये कितना है, 6 किलोवोल्ट है। और जब हम इसको निकालते हैं तो ये तो 6 लिख दिया, ठीक है, और यहां पर क्या लिखते हैं कि टोटल इसका वोल्टेज, मैंने मान लिया कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, वी है। और यही आपको भी पूछा है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अधिकतम विभवांतर इन दोनों के मध्य कितना हो रहा है, यहां पर ये भी पूछ रहा है। अच्छा, फिर क्या करते हैं कि आवेश जो आप जो जिस आवेश को गुणा करते हैं ना, उसके बगल वाले आवेश को गुणा करते हैं, तो कितना आवेश है भाई, इसके लिए तो हमें पता है, तो हम किसके लिए जा रहे हैं, 2 का, तो 2 के लिए डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज मतलब ये, इसको मैं C1 मान लूं, ये C2 मान लूं, ठीक है, तो C1 प्लस का C2, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये C1, ये आपको फार्मूला पता होगा। तो 6 बराबर यहां से वी, C1 की जगह वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 2, और C ये 3 हो जाएगा। तो V आपका कितना आ गया, V बराबर 9 वोल्ट, कितना आ गया, 9 वोल्ट। तो बस खत्म, ये चीज था कि आपका जो इसके लिए जो बैटरी लगाएंगे, इसके पूछने का क्या मतलब था, इसके पूछने का यही मतलब था कि इन दोनों आवेशों के मध्य कितने बीच की बैटरी लगाई जाए कि यहां पर आपके ये दोनों सेफ बचे रहे। तो जो अधिकतम था हमने उसको लेके इसको निकाल लिया, क्योंकि यदि अधिकतम के लिए बच जाएगा भाई, यदि कोई चार, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो 4 मुक्का सही ले रहा है, तो इसका मतलब वो 2 मुक्का तो सही लेगा ना। तो इसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहां से आगे बढ़ गए। तो ये आपका पहला हो गया इसका, ठीक। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि जब हम इसको किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो यानी कि भैया जोड़ दो समांतर क्रम में, एक ये 2 माइक्रोफेरेट का हो गया और एक ये 1 माइक्रोफेरेट का हो गया, ये 1 माइक्रोफेरेट का है। अब ये पूछा है कि इस पर ये कितना होना चाहिए, ये कितने वोल्ट की बैटरी लगी होनी चाहिए। तो ध्यान से समझना, समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, समान रहता है, लिखना पड़ेगा आपको, मैं आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी समांतर क्रम में क्या रहता है, विभव समान रहता है, विभव समान रहता है। अब ध्यान समझना, तो कितना अधिकतम विभव हम इसे दें कि ये सब उपकरण बचे रहें। तो भैया 1 माइक्रोफैरेड का आवेश कितना सह सकता है, 6। तो यदि मान के चलो कि मैं इसको 6 देता हूं, तो 6 में तो भैया 1 माइक्रोफैरेड वाला तो कैपेसिटर बचा रहेगा, लेकिन दूसरे वाला तो उड़ जाएगा, कहेगा भैया मैं 6 यहां पर कहा ही नहीं सकता, तो ये तो बोल जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो कहेगा नहीं भैया कुछ और कम लाओ, तो कहेगा कि भैया अब दूसरा वाला कितना सह सकता है, 4 का, तो इसका यानी कि विभव ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो यदि मैं इसे 4 वोल्ट की बैटरी दे दूं, तो इसके मध्य का 4 वोल्ट, तो इसके मध्य भी 4 वोल्ट, और इसके मध्य भी क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। तो ये पहला 1 ओम जो 1 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है, वो आपका 6 किलोवोल्ट को क्या कर रहा है, 6 किलोवोल्ट के झटका सह ले रहा है। तो जब 6 किलोवोल्ट का झटका सह ले रहा है, तो 4 का तो सही लेगा, और 2 का तो अधिकतम ही यही है कि ये इतना ही सह सकता है, तो यानी कि ये इतना ही होगा। तो जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा आपका समांतर क्रम में, अब मैक्सिमम वोल्टेज अधिकतम विभवांतर इनके मध्य कितना होगा, 4 किलोवोल्ट अधिकतम विभवांतर जो होगा इनके मध्य वो कितना होगा, 4 किलोवोल्ट होगा। ये कुछ नहीं था लेकिन समझने वाली चीजें थी, ठीक है, छापो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर B, परावैद्युत का प्रभाव ही देख रहे हैं, ठीक है ना। अगला हेडिंग डालिएगा, संधारित्र को या संधारित्र की धारिता पर, संधारित्र की धारिता पर
संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव यानी कि इफेक्ट, इंग्लिश में हेडिंग डालना हो तो डाल लो कि इफेक्ट ऑन कैपेसिटर, ये रही हेडिंग। ठीक है, अब देखो ये फिर से वही है कि ये आपकी एक दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है, मतलब एक पर धनात्मक आवेश है और एक पर ऋणात्मक आवेश है। मान लिया कि इन और इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, इनके बीच की दूरी आपकी डी है। बोला है कि इनका इनका जो प्लेटों का एरिया है वो कितना है, ए है, और इधर पर वैद्युत क्षेत्र आपका इतना ई नॉट है, कितना है वो आपका ई नॉट है, एरिया है आपका, एरिया यानी कि प्लेट का क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। लिखिएगा, माना दो समांतर प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्लेट का क्षेत्रफल ए है। ये क्लियर है कि दो आपकी प्लेटें दी हुई हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है और एरिया ए है। ठीक है, अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो जाए, तो जब मैं आपको करवा चुका हूं कि जब एक प्लेट होती है तो वो कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा आपका क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, तो सिग्मा चार्ज कितना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक है, ये रहा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो, लिख दे रहा हूं मैं, यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर वी नॉट हो तो अब देखो आपको क्या पता होता है कि वोल्टेज डिफरेंस यानी कि V बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच में जो इनके डिस्टेंस होती है, ये होता है। तो V नॉट बराबर आपका कितना हो जाएगा, E नॉट की वैल्यू कितना होती है, ये दिया हुआ है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए, E नॉट की वैल्यू हो गई, और ये D क्या हो गया आपके, ये तो आपका हो गया विभव, ये क्या हो गया आपका विभव। अब आपकी धारिता की बात हो जाए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई और ये पता चल गई, तो यहां पर लिखेगा संधारित्र की धारिता, तो इस संधारित्र की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी जो धारिता है वो कितनी आ जाएगी, ये आपकी धारिता जो है C बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V, और यहां पर V क्या है,
इनकी वोल्टेज का मान विभवांतर क्या माना है, वी नॉट माना है, तो क्यू तो ये रहा, अब वोल्टेज आपका क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए, तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल, यानी ये मैंने आपको प्रूफ करवाया था, याद कीजिए, एक क्वेश्चन के थ्रू करवाया था ये। अब कह रहा है कि अब इन प्लेटों के मध्य क्या लिए दे रहे हैं, अब इनके मध्य में क्या रख दे रहा हूं, एक के परावैद्युतांक पदार्थ रख दे रहा हूं। तो लिखिएगा, जब इन प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक पदार्थ रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र आपका घटेगा, वैद्युत क्षेत्र अपनी प्रारंभिक मान का वन अपान के गुना हो जाता है, तो अब आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी ये, तो जब हमने इसको रख दिया तो वैद्युत क्षेत्र अब आपका कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र मतलब अब मैं इसको लास्ट वाले को ई दिखा रहा हूं, तो कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट थी, और उसका कितना गुना हो रहा है मेरे भाई, ये हो रहा है वन अपान के गुना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको छापो तो फिर आगे बढ़े, छाप लिया, चलिए हटा दे, ऑफ करके नोट कर लेना। तो अब तो ये इतना हो गया ना, तो अब आपका विभव, तो यहां पर लिखेगा विभव, विभव V नॉट कितना हो जाएगा भाई, विभव यदि V हो जा रहा है, मान के लिए चल लिया कि कितना हो रहा है V, तो V बराबर क्या होता है E इंटू डी, और E आपका कितना है, E है E नॉट अपॉन K इंटू डी, यही ना है, तो आपका E नॉट की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, E नॉट की जो आपकी वैल्यू आई थी वो आपकी आई थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये D का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई K है, तो K का मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स इट, यानी विभव तो ये रहा आपका, तो यानी कि विभव भी आपको कितना हो गया, V नॉट अपॉन K, मतलब विभव भी प्रारंभिक विभव कितना हो जा रहा है, उसका V नॉट अपॉन K हुआ जा रहा है, कितना हो जा रहा है, प्रारंभिक जो विभव था वो जो है, जब फाइनल विभव का मतलब जब हम उस प्लेट के मध्य क्या रखे दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक रखे दे रहे हैं, तो जब बिना डाइलेक्ट्रिक रखे उसका कितना था, V नॉट था वोल्टेज, और जब अब हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो उसका वोल्टेज कितना हो गया, V, और किसके बराबर है, V नॉट अपॉन के, तो अब धारिता बराबर अब जो फाइनल जो धारिता आ जाएगी वो सी है, कितनी है, सी है, मैं इसको सी नॉट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, तो अब ये धारिता कितनी हो गई, सी हो गई, तो सी जो धारिता हो गई ये कितना होता है, क्यू अपान वी, तो क्यू कितना है आपका, क्यू तो क्यू ही है, और वी कितना हुआ जा रहा है, तो वी आपका ये हो गया, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू के, और ये भी तो क्या है, Q अपॉन V नॉट, यहां से देखो ना, Q अपॉन V नॉट ही तो है आपका C नॉट, है कि नहीं, ये प्रारंभिक का, तो C नॉट इंटू K, यानी कि C बराबर आपका आ गया C नॉट इंटू K। ठीक है, हटा दूं नीचे वाला छाप लीजिएगा, चलिए, तो देखिए यहां पर आपका जो E नॉट है, V नॉट है, और ये C नॉट है, ये सब क्या है,
बिना परावैद्युतांक पदार्थ के, परावैद्युतांक पदार्थ के, मतलब जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ नहीं रहता है तो ई नॉट उसकी वैद्युत क्षेत्र है, वी नॉट उसका वैद्युत विभव है, और सी नॉट उसकी क्या है, धारिता है। और जो आपका ई वी और जो सी है ये क्या है, ये जब परावैद्युतांक पदार्थ उसमें, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ होता है, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ होता है, पदार्थ होता है, ये तब है। अच्छा, अब इनकी यदि वैल्यू लिखना हो, क्या लिखना हो, वैल्यू लिखना हो तो E बराबर आपका कितना हो जाएगा, E नॉट बाई के, याद रखिएगा। इसी तरह विभव आपका कितना हो जाएगा, V नॉट बाई के, और जो आपका जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू C नॉट इंटू के। ये चीज है, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, उनके बीच में रख देते हैं, तो होता क्या है कि जो उसकी वैद्युत क्षेत्र शुरुआत में रहती है वो घटकर कितनी हो जाती है, शुरुआत का 1/k गुना रह जाती है। इसी तरीके से उनके बीच का यदि विभव v रहता है, v नॉट रहता है, तो वो भी घटकर कितना हो जाता है, v नॉट बाई k, लेकिन जो धारिता होती है वो k टाइम्स बढ़ जाती है, यानी कि k का उस पर क्या हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ का जो माध्यम का नियतांक रहता है उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर पर आपके क्वेश्चन करेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट, आज दो कॉन्सेप्ट और हैं, उनको करके फिर आज लेक्चर को एंड करते हैं। तो देखिए, एक क्या है कि हमने डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देख रहे थे कि जब हम संधारित्रों को बीच में क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम देख रहे हैं। तो इसी में अगला इफेक्ट है कि जब हम संधारित्रों के बीच में क्या कर रहे हैं, परावैद्युतांक माध्यम डाले दे रहे हैं, और यदि उन संधारित्रों के बीच में बैटरी लगाएं या ना लगाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब दीजिए देखते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा इफेक्ट ऑन कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। एक पहला इसमें आ जाता है कि जब बैटरी जुड़ी होती है या नहीं जुड़ी होती, तो इसमें हम लोग पहला करते हैं विदाउट बैटरी। ठीक है, बिना बैटरी के। देखिए, अब मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये सब सारी चीजें अभी मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, क्योंकि आपको यदि कहीं बाहर जाएं तो आपको ये ना लगे कि आपको पता नहीं है, इस वजह से मैं फिर से करवा दे रहा हूं, मैं करवा चुका हूं इसे। चलिए, ये आपका इनिशियल है, क्या है, इनिशियल है। हमने मान लिया कि इनिशियल पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है, वोल्टेज वी नॉट है, और कैपेसिटेंस सी नॉट है। क्लियर है। अब यहां पर ये फाइनल फिगर मैं बना रहा हूं, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने लगा दिया, ये के डाइलेक्ट्रिक आपका पुट हो गया, ये फाइनल है। ठीक है, इनिशियल चार्ज भी आपका इस पे कितना है, मैं मान लेता हूं कि क्यू नॉट है, और जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वो भी कितनी है, यू नॉट है। ये फाइनल स्टेज पे है, तो फाइनल स्टेज पे मैं इसको ई फाइनल किए दे रहा हूं कि इतनी हो गई, वोल्टेज फाइनल इतना हो गया, सी फाइनल और फाइनल, यू फाइनल, ये सब फाइनल है। ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये फाइनल का मतलब जब आपने इस पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इनिशियल का मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक के है, तब की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हुआ जा रहा है, इनिशियल का 1/k टाइम्स, तो ये हो गया।
फिर आप बी फाइनल कितना हो जा रहा है इनिशियल का वन अपॉन कितने टाइम्स के टाइम्स, ठीक है। सी फाइनल्स कितना हुआ जा रहा है सी नॉट इनटू के, अभी मैंने बताया, अभी हमने बताया। अच्छा अब क्या कह रहा है कि आपका जो यहां पर जो आवेश है क्यू फाइनल है वो क्यू नॉट के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम बैटरी अब जोड़ दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं ये बैटरी मतलब क्या कर रहे हैं कि बैटरी अब तो हट गई है ना, बैटरी नहीं है, बैटरी क्या कर दिया है हमने भाई, आपकी बैटरी हटा दिया है, यहां पर लिख लीजिएगा क्योंकि बैटरी हटा दी गई है, क्योंकि बैटरी हटा दी गई, हटा दी गई है। और आपका यू फाइनल कितना हो जाएगा, यू फाइनल होता है हाफ सी बी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, हाफ सी बी स्क्वायर मतलब का हाफ सी बी मतलब सी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, तो यहां से ये हाफ सी बी का मतलब कितना है सी, ये सी नॉट इंटू के, और ये वी एफ का मतलब है वी नॉट अपॉन के का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहां से आपका ये जो है ना यू नॉट ये भी कितना हो जाएगा हाफ सी नॉट इंटू सी नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ये यहां से। तो जब आपको वैल्यू पुट करनी हो गया तो ये इनिशियल के कितना हो जाएगा यू नॉट बाई के टाइम्स, ठीक है, इसको छापो तो फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलें, पहले इसको छाप लो। चलिए अब अगला देखते हैं, इसी पे दूसरा है कि अभी क्या था कि जब आपकी बैटरी नहीं लगी हुई, अब क्या है, अब हमने बैटरी लगा दिया है, ठीक है, विथ बैटरी, बैटरी के साथ, बैटरी के साथ, ये देखो। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि ये आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, मैं इनिशियल फिगर बना रहा हूं, और इधर पर आपने बैटरी जोड़ दिया, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है वी नॉट, ये इनिशियल है, ठीक है ना, मतलब शुरुआत में ऐसा है। फिर आप क्या कर रहे हैं कि डाइइलेक्ट्रिक भरे दे रहे हैं इन दोनों के बीच में, और बैटरी तो लगी हुई है, ये आपका डाइइलेक्ट्रिक के भरा हुआ है, ये डाइइलेक्ट्रिक हमने भर दिया, और ये वी नॉट, ठीक है। फिर देखते हैं कि यहां पर ये क्या है, ये आपका क्यू क्यू नॉट है इनिशियल पे, और आपका पोटेंशियल इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, और कैपेसिटेंस आपका सी नॉट है, और ये भी आपका कितना है यू नॉट, क्लियर। यहां पर ये फाइनल है कि अब आपने लगा दिया, ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको क्यू फाइनल वी फाइनल और ई फाइनल सी फाइनल और यू फाइनल, यू को मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना भाई मेरे, ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो अब क्योंकि यहां पर पहला वी फाइनल हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं वी फाइनल, तो वी फाइनल देखो कितना होगा वी नॉट के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया बैटरी लगा दिया है ना भाई, बैटरी आपकी फिक्स हो गई तो उतना ही भी बहुत हो रहेगा ना, यहां पर लिख लीजिए बैटरी लगाने से, बैटरी लगा दी गई, इस वजह से यही कितना हो जाएगा वी नॉट है, क्योंकि जितने वोल्टेज की बैटरी रहेगी उतना ही तो विभव रहेगा। चलिए दूसरा, दूसरा आपकी जो धारिता है, क्या है धारिता, तो धारिता तो मैंने आपको बताया है कि यदि हम चाहे बैटरी लगाएं या ना लगाएं, यदि डाइइलेक्ट्रिक लगा दिया है तो वो अपनी जो उसकी कैपेसिटेंस होती है उसकी कैपेसिटेंस के गुना हो जाती है इनिशियल की, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए परावैद्युतांक के कारण, परावैद्युतांक के कारण, ठीक है, यह हो गया। तीसरा क्यू फाइनल देख लेते हैं, Q
क्यू फाइनल की बात करें तो क्यू बराबर क्या होता है, सी फाइनल इंटू वी फाइनल, ये लिख सकता हूं मैं, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, के इंटू सी नॉट इंटू वी नॉट, यही होगा। अच्छा उसके लिए भी यही आया रहा होगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू नॉट, यानी के टाइम्स क्यू हुआ जा रहा है, के टाइम्स हुआ जा रहा है इनिशियल का, इनिशियल का के टाइम्स हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि अब ये क्या करेगा भाई, ये कैपेसिटर क्या करेगा, वोल्टेज को मेंटेन करेगा ना। तो यहां पर लिखेगा विभव को मेंटेन रखने के लिए, को मेंटेन रखने की वजह से, ये क्लियर हुआ, मुद्दे की बात समझ लीजिए, क्योंकि कल जब इस पर क्वेश्चन होंगे तब फिर आप सवाल ना करें कि ये सर कहां से आया। ठीक है, अगला चौथा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने के लिए तो आपको पता होगा कि ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा वी फाइनल अपॉन डी, इन दोनों के बीच की दूरी, दूरी तो अभी भी डी ही है भाई, ये मत कह दीजिए क्योंकि दूरी नहीं दी हुई है, एरिया नहीं दिया हुआ है, एरिया यहाँ का ए दिया हुआ है, ये डी है। ठीक है, तो वी फाइनल कितना है, वही है वी नॉट अपॉन के, वी नॉट अपॉन डी, यानी कि वी नॉट आपके कितनी है इलेक्ट्रिक, जब वी नॉट अपॉन डी हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बस खत्म बात। कितना हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा कि जो मतलब चार्ज होंगे वो यही हो जाएगा, और कहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज रही, आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल निकाल सकते हैं। ये ठीक है, तो मुद्दे की बात देखो, अब क्या बचा, कुछ बचा है क्या, फाइनल ये बचा है, यू फाइनल, यू फाइनल बराबर क्या था, हाफ सी फाइनल इंटू वी फाइनल का होल स्क्वायर। तो हाफ सी फाइनल कितना है आपका, के इंटू सी नॉट है, और वी फाइनल अभी आपने निकाला है वी नॉट का स्क्वायर है, कितना, यही तो है कि कुछ और लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप यहां से निकाल लेंगे, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ, भाई यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो ना, मैं इसको ये लिख सकता हूं k इंटू वन अपॉन टू सी नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर, यहां पर भी तो यही होगा भाई, यहां से देखो ना ये कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी कितना है, इतना वी स्क्वायर मतलब वी नॉट का स्क्वायर, तो ये कितना है, इतना, यानी कि ये कितना होगा, के इंटू ये। तो ये चीजें थी, तो चलिए इनको ढंग से नोट्स बना लीजिए और ढंग से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसके बाद कल हम इस पर क्वेश्चन क्वेश्चन की क्लास चलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, नहीं तो यदि आपके वीडियो डंप होते रहेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं होगी, क्योंकि एक दिन में यदि आप एक एक लेक्चर यदि आप देखते हुए चलेंगे तो आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा, और यदि 10 वीडियो यदि मान के चलो कि स्टोर हो गए और फिर आपको देखना है तो फिर एक आलस सा बन जाता है उनको देखने के लिए। तो चलिए अब जैसे भी अब आपको मन करिए, आपके ऊपर है, हमारा कर्तव्य है कहने कि भाई रोज का रोज पढ़ो, तो वो है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।